मुंबई में 59 घंटे तक तबाही मचाने वाले आतंकियों को बाहर की खबर कैसे मिल रही थी? वो कौन था जो उनको पल पल की खबर दे रहा था? इंडिया टीवी रिपोर्टर विवेक अग्रवाल ने इसकी पूरी छानबीन की और कुछ ऐसी जानकारियां जुटा ली हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस जासूस के बारे में जो ताज और ओब्रॉय में घुसे आतंकवादियों को बाहर की हर खबर दे रहा था। ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई में आतंकवादियों के पास जिस तरह का जीपीएस डिवाइस था वो मुंबई में खुलेआम बिकता है। आपको अब हम बता रहे हैं कैसे काम करता है ये जीपीएस डिवाइस और आतंकवादियों ने उसका इस्तेमाल कैसे किया होगा। डायरेक्शन नक्शे की तरह भी दिखाया जाता है और डिग्रीज में भी बताया जाता है। ये देखो, ये नक्शे में बता रहा है, इसका मतलब वो जहां भी जाने का है वो अपना पोर्ट साइड में क्या लेफ्ट हैंड टर्न होके जाने का। थोड़ा मुंबई पर 26 नवंबर को किए हमले में आतंकवादियों ने जिस तरह के हैंडहेल्ड जीपीएस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया था, वैसा ही लगभग वैसा ही एक डिवाइस हमने भी यहां मुंबई में खोज निकाला। ये जो डिवाइस है इतनी छोटी सी है, एक सेलफोन के आकार की है, तो क्या ये इतनी ताकतवर है और कैसे मतलब ये काम करती है? क्या इसके सैटेलाइट से कनेक्शन होते हैं? हां, एक्चुअली ऊपर से जो सैटेलाइट भेजे हैं एक्चुअली अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, तो ये अमेरिकन सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट करता है, तो उसके इसमें जितने भी सैटेलाइट आता है उसमें मिनिमम 3 सैटेलाइट होना चाहिए। अगर 3 सैटेलाइट मिलते हैं उनको तो अपना वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दे देती है। क्या ये जो यूनिट्स हैं ये किसी को भी अवेलेबल हो सकती हैं? टेररिस्ट जिस तरीके से हिंदुस्तान में लेकर के घुसे थे, क्या उनको भी ये बड़ी आसानी से मिल सकती हैं? अभी ऐसा तो मार्केट में तो अवेलेबल मिलता है, रेडीली अवेलेबल है, अभी फिशरमैन के लोग के पास है मोस्टली, छोटा छोटा बोट टक्स बार्जेस है वो लोग भी रखते हैं, तो इट मस्ट बी अवेलेबल रेडीली। ये कितना आसान होता है इसको इस्तेमाल करना? कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, यहाँ तो ऐसा कुछ बड़ा खास सीखने का जैसा नहीं है। अगर आप समुद्र में अगर कैबिन का बाहर आके ऑन कर देते हैं तो आपका जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो बता देता है। दूसरी बात ऐसा है, अगर जहाँ जाने का है उसकी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आप डाल देते हैं तो ये वहाँ जाने के लिए डिस्टेंस बता देगा, कोर्स बता देगा, और अगर आप जब चल पड़ते हैं तो आपका एक दफ़ा स्पीड हो गया फिक्स तो ईटी अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल भी वहाँ का बता देते हैं। यानी कि ये जो यूनिट है ये नाविकों के लिए खास तौर से बहुत ही यूजफुल है, क्या ये लैंड पर भी उतना ही यूजफुल है? आई थिंक इन अमेरिका दे आर यूजिंग द लैंड ऑल्सो, कार में भी है उनके पास, क्योंकि उनके पास कार में सब शोर का भी मैप्स है तो कार में भी वो लोग यूज करते हैं शायद। तो जिस तरह से मिस्टर बारी बता रहे हैं कि ये जो जीपीएस सिस्टम है ये जीपीएस सिस्टम बहुत ही ताकतवर है और इसके जरिए बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकता है, इसको बहुत ही ज्यादा सीखने की या किसी तरह की उसकी जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज उसको दिया जाए तो वो बहुत ही आसानी से इस यूनिट के जरिए कहीं भी किसी भी दिशा में किसी भी शहर में पहुंच सकता है। मैं ये जानना चाहूंगा बारी साहब कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये यूनिट क्या हिंदुस्तान में इस्तेमाल करने पे पाबंदी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो सभी नाविकों के लिए बहुत ही यूजफुल है और पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे तो आप जब जाते हैं तो एकदम शॉर्टकट से जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो वे होता है दैट यू कैन अडॉप्ट एंड दिस इज वेरी, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट कैन हैव एनी बैन फॉर दिस। तो इस तरह की जीपीएस यूनिट्स के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है और इसको कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकता है, यही कारण है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने इस तरह की 2 यूनिट्स आतंकवादियों को दी थी जिनको लेकर के वो कराची से हिंदुस्तान आए और उन्होंने मुंबई पर हमला किया और इस तरह की टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया, उसका गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया। विवेक अग्रवाल, इंडिया टीवी, मुंबई। हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल ने मुंबई के मच्छी बाजार का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि मोबाइल के जरिए आतंकवादी कैसे वहां पहुंचे थे।
हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं आशुतोष। आशुतोष मात्र 16 साल के हैं और आशुतोष जो हैं वो इस वक्त अपने एक सेलफोन के साथ में मौजूद हैं हमारे साथ और वो अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जीपीएस जो है ये इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए नोकिया मैप जो है वो इस वक्त अंदर एक्टिवेट हो चुका है और ये जो एक्टिवेट किया जा रहा है उसको धीरे धीरे ये जगह से बता रहे हैं। आशुतोष ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप? ये फिलहाल मैंने अभी नेविगेशन इसे चालू किया है और ये फिलहाल बता रहे हैं जहाँ से आतंकवादी आए थे मच्छी मार के इस इलाके में। आपको बता सकते हैं कि वो लोग किस तरीके से इस इलाके से वहाँ पर गए थे और ये इलाका ही हमारी गाड़ी को बता रही है कि मच्छी मार से ताज होटल की तरफ जा रही है और अभी उस स्थान को पहुंचने में सिर्फ 1.6 किलोमीटर का फर्क है और ये बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सब इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सीधा बता रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं। अच्छा ये जो इसमें आशुतोष एक एरो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि हम फिलहाल कहाँ पर है और ये हमारी गाड़ी का जहाँ पर ये गाड़ी है ये हमें ये बता रहा है। अच्छा ये जो हमारे जगह है जिसको कि हम जिस सड़क को देख रहे हैं जो काले रंग की उसमें सड़क दिखाई दे रही है ये वही सड़क है जिसपे हम अभी चल रहे हैं? हाँ ये वही सड़क है और जहाँ से ये इसका आखिरी स्थान हमें ताज होटल की तरफ ओबेरॉय होटल की तरफ ले जाएगा। और ये ओबेरॉय होटल पहुँचने में अभी हमें कितनी देर लगेगी? ये फिलहाल अभी रास्ता तो सिर्फ 800 मीटर का फासला रह गया है और हम कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर सपोज हम अभी यहाँ से लेफ्ट नहीं जाते हैं हम सीधे ही चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? ऐसी स्थिति में हमें ये बता देगा कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं और हमें अपनी स्थान अब हमें बाकी बाद में उसमें आगे अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा कि बाद में वहाँ हमारी गलती के बाद से वापस सही रास्ता कहाँ से है। ये जो रास्ते में जो बाकी के जो पीले रंग से और हल्के नीले रंग से जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं वो उसका क्या मतलब हुआ? ये हमें बाकी के आसपास के इलाके और उसकी जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि ये सफेद इलाका है ये विधान भवन की तरफ हमें बता रहा है और ये पीले लकीरें को ये एक महत्वपूर्ण इलाका है हमारे मुंबई और हमारे भारत राष्ट्र के लिए। इसीलिए हम जिस रास्ते पर अभी पहुंचे हैं तो ये जिस सिग्नल पर हम आए हैं उस सिग्नल से बस अब मुश्किल से हम ओबेरॉय ये जो माफ कीजिए ये जो होटल है ट्राइडेंट उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और ये कितना आसानी से इस जगह तक हम आ पहुंचे हैं ये इस चीज के नेविगेशन से दिखाई देता है। मैं कैमरामैन मिलिंद से चाहूंगा कि वो स्क्रीन पर दिखाएं जहां पर लाल रंग का बिंदु दिखाई दे रहा है उस लाल बिंदु में ये चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहां अब हम बिल्कुल ही उस होटल के करीब पहुंच चुके हैं। यहां से अब हम लेफ्ट लेंगे और जैसे ही हम लेफ्ट टर्न लेंगे बाईं तरफ जाएंगे हमारे ठीक बाईं तरफ ही वो होटल जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था वो जगह आ जाएगी और ये जो फिलहाल हम जिस जगह पर खड़े हैं वो ठीक उस होटल के पास का हिस्सा है दाहिनी तरफ का हिस्सा है जो कि पूरा नरीमन पॉइंट पर ही है और ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग एयर इंडिया की बिल्डिंग है। एयर इंडिया की बिल्डिंग से जैसे ही ये लेफ्ट हमारा कैमरा पहुंचेगा उस जगह पर ही हम ठीक इस जीपीएस के जरिए जो कि व्यवस्था इस मोबाइल फोन में है जिस जो कि बहुत आसान और बहुत अच्छी है ये व्यवस्था जो है इस चीज से आतंकवादियों को भी उन जगहों पर पहुंचने में मदद मिली है। ये चीज इस बात से साबित होती है बहुत ही आसानी से हम यहां तक आ पहुंचे हैं। इसका साफ तौर पर सीधे तौर पर ये मतलब हुआ कि आतंकवादियों को भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचने में बहुत ही आसानी हुई होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद खुलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा।